13 अप्रैल 1919 को जो यहाँ पे मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उनको जाते हुए दिखाया गया है। ये है दोस्तों वो कुआं जहाँ पे ना लोगों ने अंग्रेजों की गोलियों के मरने की बजाय खुद को कुएं में कूद के जान दे दी थी। अगर इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते हो तो हमारे चैनल पे मैं आपको सारी चीजें दिखाता ही हूँ। बाकी इनका भी है पंजाब का कल्चर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या है आपका चैनल? विलेज ब्लॉग्स। ये उस समय जो गोलियां चलाई गई थी उनके निशान जो दीवारों पे हैं आज भी आप देख सकते हो। 1919 में जो लोग शहीद हुए थे उनकी याद में ये यहाँ पे अमर ज्योति हमेशा ये जलती रहती है। बच्चे बड़े बूढ़े निहत्थे लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, तो उस चीज़ को सोचते हुए भी दोस्तों आज के टाइम में डर लगता है कि ऐसा भी होता था। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट जेडी आज आपको लेके आया हूँ पंजाब के बहुत ही प्रसिद्ध और मशहूर शहर अमृतसर में। अमृतसर में हमारा सेकेंड डे है आज। आज मैं आपको यहाँ पे जो लोकल मार्केट है वो दिखाऊंगा, उसी के साथ यहाँ पे जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसके बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा, और फिर चलेंगे हम गोल्डन टेम्पल। तो चलो चलते हैं दोस्तों मार्केट से होते हुए जलियांवाला बाग। तो अब चल रहे हैं दोस्तों हम मार्केट के बीचों बीच। यहाँ पे देखिए क्या है, धर्म सिंह मार्केट है, ये इस तरह भी मार्केट है और उसी के साथ देखिए यहाँ पे भी एक मार्केट है। ये क्या है, इन्होंने सारा अभी इसको डेवलप करने के साथ साथ इसको जो इन्होंने पुराना टाइम होता था उसी तरीके से इनको भी बनाया हुआ है। और यहाँ पे क्या है, अमृतसर के बारे में बहुत सी धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाएं होती रही हैं दोस्तों, जिसमें इसका नाम अमृतसर का नाम सबसे ऊपर रहा है। और अमृतसर क्या है, लगभग 400 साल हो चुके हैं, 400 साल पुराना है ये अमृतसर शहर। इसको पहले अंबरसर कहा जाता था, उसके बाद इसका नाम अमृतसर पड़ा है। और अमृतसर पड़ने से पहले इसको रामदासपुर भी कहा जाता था, क्योंकि गुरु रामदास जी द्वारा इसको बसाया गया था। वो ऐसे बातें करते हुए हम आगे चल रहे हैं और आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, आपको पंजाबी जूतियाँ फुलकारियाँ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये क्या है, ऊपर तो इनके रेस्ट हाउस है जो आप रूम ले सकते हो जहाँ पे, और नीचे यहाँ पे मार्केट है। अब मार्केट देखिए कितनी बढ़िया बनाई हुई है, बिल्कुल एक वेल डेवलप मार्केट है। अगर आप पंजाबी जूतियों के शौकीन हो दोस्तों तो यहाँ पे आके आप पंजाबी जूतियाँ भी ले सकते हो। दोस्तों मार्केट से घूमते हुए हम पहुंच गए हैं जलियांवाला बाग। ये है, ये इनका गेट है और यहाँ पे ना ये इनकी टाइमिंग लिखी हुई है, ये देखिए आपको दिखा देता हूँ एक बार। सुबह 6:30 से शाम 7 बजे तक खुलता है। यहाँ पे क्या है, कोई आपको एंट्री फीस नहीं देनी है। ये हम एंट्री कर रहे हैं अभी ना, ये एंट्री गेट से एंट्री करने के बाद देखिए ऐसा कुछ है यहाँ पे, जो जो इतिहास हम पढ़ते आए हैं उसको यहाँ पे तस्वीरों में बयां किया हुआ है। ये दिखाया हुआ है कि जो 13 अप्रैल 1919 को जो यहाँ पे मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उनको जाते हुए दिखाया गया है। बच्चे हैं ऐसे हंसते खेलते हुए जा रहे हैं, बड़े हैं बूढ़े हैं। और ये अब हम चलते हुए आगे जा रहे हैं, आगे ये हम पहुंच गए अंदर जलियांवाले बाग में। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एंट्री करने के बाद ना यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा होगा वो क्या है, एक शहीद स्मारक बनाया हुआ है। तो एक बार वहाँ पे भी आपको लेके चलते हैं। जो ये जलियांवाला बाग है इसको अब एक पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे 1919 की घटना हुई थी, उसमें जो लोग शहीद हुए थे, निहत्थे लोगों को मारा गया था क्रूर शासक द्वारा, उनकी याद में ये शहीद स्मारक बनाया हुआ आप देख सकते हो। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे क्या है, आज भी जो गोलियों के निशान हैं दीवारों पे वैसे ही हैं जो कि उस टाइम की जो घटना हुई थी उसको बयां करते हैं। यहाँ पे आके आपको दोस्तों वही चीज़ को फील करोगे कि जैसा जलियांवाले बाग में कांड हुआ था, उसको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये उस तरफ तो है स्मारक बनाया हुआ है उनकी याद में जो उस टाइम पे निहत्थे लोग शहीद हुए थे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर में ना जो ये दिखाया हुआ डॉट डॉट, ये हैं गोलियों के निशान।
ये है दोस्तों वो कुआ जहाँ पे ना लोगों ने अंग्रेजों की गोलियों के मरने की बजाय खुद को कुएं में कूद के जान दे दी थी। कुएं को ना पूरा कवर किया हुआ है ताकि इस जो ये याद है इसको बचा के रखा जा सके। क्या इनमें शीशे लगाए हुए हैं ताकि लोग अंदर देख सके, मैं आपको दिखाता हूँ, पर क्या है इतना क्लियर दिख नहीं पाएगा, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है यहाँ पे क्या था, जो अंग्रेजों द्वारा जो गोलियां चलाई गई थी, लोगों ने ये महसूस किया कि जो अंग्रेजों की गोलियों से मरने के बजाय खुद ही आत्महत्या कर लें, तो उसके लिए यहाँ पे लोग इस कुएं में कूद गए थे। उस समय ये कुआं लाशों से भर गया था दोस्तों, इतना नरसंहार हुआ था। ये जो जलियांवाला बाग है, जो ये अपनी घटना खुद बयां करता है यहाँ की, ये मैं आपको घुमा रहा हूँ जलियांवाले बाग में, और 1919 का जो उस टाइम में जो यहाँ पे हुआ था नरसंहार, वो आपको याद दिला रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा। आज मैं आपको यहाँ पे कुछ उनकी यादों में याद हैं, कुछ इन्होंने बन रखा हुआ है कि उस टाइम पे जो ये घटनाएं हुई थी उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे अब मैंने आपको कुआं दिखा दिया है, अभी उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये उस समय जो गोलियाँ चलाई गई थी उनके निशान जो दीवारों पर हैं आज भी आप देख सकते हो। अभी क्या है, पहले इनको बाउंड्री नहीं लगाई हुई थी, अब इन्होंने बाउंड्री लगा दी ताकि लोग आगे ना जाएं। और देखो यहाँ पे ना क्या है, इसके बारे में यहाँ लिखा भी हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये ब्लड मार्क्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे इनके नंबर हैं, और यहाँ ये लिखा हुआ है, देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है। जो ये दीवार है ना दोस्तों, ये यहाँ पे 36 गोलियों के निशान है इस टाइम पे, जो भी जनरल डायर द्वारा बिना किसी चेतावनी के लोगों पे चलाई गई थी। तो वही अब मैं आपको बता रहा हूँ, साथ के साथ हमने पढ़ा था इसके बारे में। अगर आप ये चीज़ों को देखना चाहते हो, फील करना चाहते हो, तो आप अमृतसर आओ तो जलियांवाला बाग ज़रूर आइए दोस्तों। जलियांवाले बाग में आके आप इन चीज़ों को बेखूबी देख पाओगे कि उस टाइम पे क्या नरसंहार हुआ था। और क्या है, इन चीज़ों को जब हम सुनते हैं, जब भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उस टाइम पे तो दोस्तों कैसा हुआ होगा जब ये लोगों पे, बच्चे बड़े बूढ़े निहत्थे लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, तो उस चीज़ को सोचते हुए भी दोस्तों आज के टाइम में डर लगता है कि ऐसा भी होता था। ऐसे नहीं हमें आज़ादी मिली है, उस आज़ादी के लिए कितने घर कुर्बान हुए हैं, कितने लोगों ने अपनी जान दी है, तो इन चीज़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो अभी चलते हैं, आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, अभी आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या है, गैलरी बनाई हुई है, तो मैं उस गैलरी में भी जाके देखते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ पंजाब में क्रूरता, वो सारा यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो अंदर गैलरी है उसमें यहाँ पे जलियांवाले बाग का नरसंहार और जो अमृतसर में जो जो घटनाएं थी उनके बारे में यहाँ सारा बताया गया है, और उसके बाद जो जनरल डायर के द्वारा जो कार्रवाई की गई और जनरल डायर पे जो कार्रवाई की गई वो भी यहाँ पे बताई गई। यहाँ पे क्या है, आगे आने के बाद यहाँ पे इस दीवार पे भी जो गोलियाँ चलाई गई थी जनरल डायर द्वारा, उस पर यहाँ पे लगभग 28 गोलियों के निशान है दोस्तों, आप देख सकते हो। ये देखिए ये दीवारें दोस्तों आज भी जो 1919 का जो नरसंहार हुआ था
उसकी कहानी को आज भी ये बयां करती है। आप जलियांवाला बाग में आते तो इन चीज़ों को आप बेखूबी देख पाओगे। आज तक ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, पर जलियांवाला बाग में इन चीज़ों से आप रूबरू हो पाओगे, आप इन चीज़ों को देख पाओगे और अच्छे से इनके बारे में सीख पाओगे। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा जो जो चीज़ें कही गई थी, जो जो बातें बोली गई थी, वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये देखिए, जीवन एक संघर्ष है, चाहे वह किसी मनुष्य का हो या राष्ट्र का। यहाँ पे उसका लिखा हुआ है कि अब नासिराम ने मुमताज़ की चुलू को लिखे पत्र का अंश। ये ऐसा कुछ उस टाइम पे जो चीज़ें एक दूसरे को अपनी बातें पहुँचाते थे या जो नारे बोलते थे या लोगों को प्रेरित करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सीता हमारा, ये चीज़ बोली गई थी मोहम्मद इकबाल द्वारा। यहाँ पे वही सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं, सारे ऐसे दीवारों पे आप इन चीज़ों को पढ़ पाओगे। ये महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया था, आपको दिखा देता हूँ। ये क्या है, ये जलियांवाला बाग में ही है ये चीज़ें। चलो चलते हैं आगे। हम आए हैं यहाँ पे अमर ज्योति पे। यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो उस टाइम पे 1919 में जो लोग शहीद हुए थे उनकी याद में ये यहाँ पे अमर ज्योति हमेशा ये जलती रहती है। आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे क्या है दोस्तों, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था उसको देखने, और उसके बारे में जो यहाँ पे दीवारों पे आज भी जो चीज़ें विद्यमान है और जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे, जो वो कहानियाँ हम किताबों में पढ़ते आए हैं, जो हम किताबों में पढ़ते आए हैं, वो यहाँ पे बयां करती है। हमारा मेन मकसद होता है दोस्तों, जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ की आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आ रहा है दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं हम आगे। यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर ही है गोल्डन टेम्पल, जिसको हरमंदिर साहिब भी कहते हैं, तो हम आपको वो दिखाते हैं। चलिए दोस्तों,